नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं अंकित बंसल और फरसू सर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल द एक्सीलेंस क्लासेज में। दोस्तों, हमने अपनी लास्ट वीडियो में थॉर्नडाइक के सिद्धांत को पढ़ा, उसकी आलोचना की, उस सिद्धांत के बारे में जाना कि उस सिद्धांत का शिक्षा में क्या प्रयोग है, क्या कमियाँ थी उस सिद्धांत की, उन सिद्धांत की कमियों को भी हमने जाना। आप सभी को वीडियो पसंद आ ही रही है, वीडियो को आगे सब्सक्राइब करने के लिए शेयर भी करते रहें, शेयर करें, लाइक कमेंट करना ना भूलें। आज हम स्टार्ट करते हैं शास्त्रीय अनुबंधन इवान पी पावलोव। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के कुछ कमेंट थे, जैसे कि ये कमेंट मेरे पास आया कि सर अब वीडियो तो कंटिन्यू मिलेंगी, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैंने कल वीडियो में भी बताया था आपको कि वीडियो तो आपको लगातार ही मिलती रहेंगी, बस कभी कभी तबीयत अगर साथ नहीं देती है तो वीडियो नहीं बन पाती है। तो लास्ट टाइम तबीयत ठीक ना होने की वजह से आपकी वीडियो डिले हुई थी, बाकी आपकी वीडियो डिले होने का कोई और कारण नहीं है। आज इस वीडियो के साथ साथ आपको कल सुबह तक एक वीडियो और मिलेगी, जिसमें क्वेश्चनों की एक सीरीज होगी, जिसको PPT के माध्यम से हम आप तक पहुँचाएँगे वीडियो रिकॉर्ड करके। तो आज स्टार्ट करते हैं शास्त्रीय अनुबंधन। तो इवान पी पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन, इस शास्त्रीय अनुबंधन को हम अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, प्राचीन अनुबंधन तथा संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। यानी कि ये क्या है? क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी इवान पी पावलोव। इसको देने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? पावलोव। इवान पी पावलोव के सिद्धांत को समझने का प्रयास करते हैं। इवान पी पावलोव से पहले बात करता हूं थोड़ा सा उद्दीपक अनुक्रिया के बारे में। थोड़ा क्या कह रहे थे? एक उद्दीपक होगा जो प्रेरणा देगा और उसके सापेक्ष हम क्या करेंगे? अनुक्रिया करेंगे। इवान पी पावलोव क्या कहते हैं? इवान पी पावलोव कहते हैं कि हम उद्दीपक को बदल सकते हैं। यानी कि ये क्या कहते हैं कि एक उद्दीपक को नवीन उद्दीपक के साथ क्रिया कराकर बदला जा सकता है, ऐसा कहना है इवान पी पावलोव का। यानी कि इवान पी पावलोव क्या कहना चाहते हैं उसको जानते हैं। स्वाभाविक उद्दीपक और इसके सापेक्ष क्या होगी? यानी कि अनकंडीशनल स्टिमुलस, इसके सापेक्ष अनकंडीशनल रेस्पॉन्स हो रहा है, ऐसा इवान पी पावलोव कहते हैं। अब इसके साथ हमें क्या करना है? इसके साथ हमें क्या करना है? एक अनुकूलित उद्दीपक को जोड़ना है। यानी कि इसके साथ हमने क्या करा? स्वाभाविक उद्दीपक के साथ क्या किया? एक अनुकूलित उद्दीपक को जोड़ा। अनुकूलित उद्दीपक को जोड़ा और अनुकूलित उद्दीपक को जोड़ा, या इससे पहले मैं आपसे बात करूं कि एक उद्दीपक को जोड़ा, एक उद्दीपक हमने नवीन उद्दीपक जोड़ा इसके साथ हम इसमें इससे पहले बात करते हैं समझाने के लिए। ये स्वाभाविक उद्दीपक है,
और इसके साथ हम जोड़ रहे हैं एक उद्दीपक, एक नवीन उद्दीपक, उद्दीपक, ठीक है। और क्रिया कैसी हो रही है अभी? स्वाभाविक हो रही है। अब क्या होगा, इवान पी पावलोव क्या कहना चाहते हैं? इवान पी पावलोव कहना चाहते हैं जो नवीन उद्दीपक है ना, ये हो जाएगा अनुकूलित उद्दीपक, कंडीशनिंग स्टिमुलस हो जाएगा। यानी कि अब तीसरी कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये नवीन उद्दीपक क्या हो जाएगा, अनुकूलित उद्दीपक, यानी कि कंडीशनिंग स्टिमुलस, और इसके साथ क्या हो जाएगी, अनुकूलित अनुक्रिया। एग्जाम्पल से समझाता हूं। मनुष्य का स्वभाव क्या है बचपन में? बचपन मनुष्य का स्वभाव यह है कि भोजन देखा और उसको खाना खाना है। भोजन ने उसको खाने के लिए प्रेरित कर दिया। मां देखी, बच्चा रोया, भूख लगी। उसके बाद क्या होता है, एक सिस्टम हो जाता है, एक टाइम टेबल डिसाइड हो जाता है कि भाई इस टाइम पे हम खाना प्राप्त करेंगे। यानी कि जब हम विद्यालय जाते हैं, विद्यालय जब हम जाते हैं तो लंच बॉक्स मां रखती हैं, मम्मी ने खाना बना के रख दिया, लंच बॉक्स गया हमारे साथ, बच्चा बीच क्लास में भी खाना खाने लग गया क्योंकि उसे पता ही नहीं कुछ हो। लेकिन एक समय बाद क्या होता है, एक समय ये होता है कि जब 3 या 4 या 5 जब पीरियड बाद लंच के लिए पीरियड होगा, लंच के लिए बैल बजेगी, तभी भूख लगेगी और तभी हम खाना खाएंगे। यानी कि उस बैल से हम क्या हो गए, हम अनुकूलित हो गए। क्रिया वही है, हम खाना ही रहे। तो जैसे कि घर, इन्होंने प्रयोग किया कुत्ते पर, एक और एग्जांपल देता हूँ। घर में कोई पालतू पेट है, कोई जानवर है, पालतू कुत्ता ही है, घर का कोई एक सदस्य होता है जो उसको खाना खिलाने का काम करता है। तो खाना नहीं आया उस कुत्ते के सामने, उस पालतू जानवर के सामने, वो सदस्य उसके सामने जैसे ही आया, पालतू जानवर की जीभ बाहर आ गई, वो लार टपकाना स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि उसको पता है, उसको ये महसूस हो गया, उसको ये पता चल गया, उसका ये बॉन्ड बन गया, महसूस नहीं, उसको ये बॉन्ड बन गया कि अब ये आ गए, अब खाना मिलेगा। तो यही बात कहना चाहते हैं इवान पी पावलोव क्या कहना चाहते हैं कि जिस मूल उद्दीपक से अनुक्रिया होती थी, हम उस मूल उद्दीपक को एक नवीन उद्दीपक से बदल सकते हैं। यानी कि ये उद्दीपक को बदलने की बात करते हैं इवान पी पावलोव। पहले आप इसको नोट डाउन करें, फिर इसके बाद इसमें और भी बात करता हूं मैं आपसे। उम्मीद है कि आप सब ने नोट डाउन कर ही लिया होगा। इनका जो प्रयोग है, कुत्ते पर है, और कुत्ते का जो स्वाभाविक उद्दीपक क्या है, कुत्ते का स्वाभाविक उद्दीपक क्या है, भोजन को देखकर लाराना जी, स्वाभाविक अनुक्रिया, स्वाभाविक उद्दीपक। इसको दूसरी भाषा में बात करूं, अनकंडीशनिंग स्टिमुलस, अनकंडीशनल रेस्पॉन्स, अनुबंधित उद्दीपक, अनुबंधित अनुक्रिया। इसको क्या कह सकता हूं मैं, लिखाई था मैंने अभी, इसको क्या कह सकता हूं दूसरी भाषा में लिख देता हूं, अनुबंधित उद्दीपक, अनुबंधित अनुक्रिया। अब क्या किया इन्होंने, इन्होंने बॉन्ड बनाना स्टार्ट किया, यानी कि अनुबंध बनाना स्टार्ट किया। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने दूसरी वाली कंडीशन, पहली कंडीशन ये हो गई, दूसरी कंडीशन, अब इस भोजन के साथ एक नवीन उद्दीपक क्या जोड़ा, घंटी। ये क्या हो गया, नवीन उद्दीपक हो गया। कुत्ते को वही लार आ रही। कुछ समय के बाद क्या हुआ, घंटी की आवाज से कुत्ते को क्या आने लगी, लार। तो ये क्या हो गया, अनुबंधित उद्दीपक,
और अनुबंधित अनुक्रिया, तो इवान पी पावलोव कहना चाहते हैं जब मूल उद्दीपक के साथ एक नवीन उद्दीपक प्रस्तुत किया जाता है और उसके साथ एक समय तक क्रिया कराई जाती है और कुछ समय के बाद मूल उद्दीपक को हटा लिया जाता है और नवीन उद्दीपक की उपस्थिति में भी वही क्रिया दोहराई जाती है तो होता है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, क्योंकि उस अनुक्रिया का नवीन उद्दीपक के साथ क्या हो गया, अनुकूलन हो गया। अनुकूलन मतलब डालना। बात समझ में आई? तो दोस्तों हमने क्या देखा, इवान पी पावलोव क्या बदलने की बात कर रहे हैं, एक सीरीज से समझाता हूं। शुरुआत हुई एस आर से, इवान पी पावलोव आए और एस को चेंज कर दिए। उन्होंने कहा कि एक नवीन उद्दीपक पुराने उद्दीपक को बदल सकता है, अनुक्रिया वही रहेगी। यानी कि व्यक्ति का कोई पूर्व में व्यवहार हो गया है, किसी चीज को देखकर कोई काम कर रहा है, हो सकता है एक भविष्य में अब काम तो वही करे लेकिन उस चीज को देखकर ना करे, किसी और चीज के माध्यम से कर रहा हो। बात समझ में आई? कोई दिक्कत अगर होती है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप पूछोगे, नंबर आप सभी के पास मेरा है ही, मैसेज के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, इसको आप नोट डाउन करें। अगर मैं एक लाइन में सिद्धांत के उद्देश्य की बात करूं कि एक्चुअल में सिद्धांत का उद्देश्य क्या है, क्या मोटिव है इसका, इसका मोटिव है कि मनुष्य क्या होता है, जैविक प्राणी होता है, ठीक है, तो जैविकता से उसे सामाजिकता की ओर लाना, इस सिद्धांत का उद्देश्य क्या है। मनुष्य ना लेकर कोई भी, इस सिद्धांत का उद्देश्य है जैविक प्रवृत्तियों से सामाजिक प्रवृत्तियों की ओर। लेकर जाना जैविकता है, हाथ से खाना खा रहे, खा तो खाना ही रहे, अनुक्रिया तो खाना खाने की हो रही है, हाथ से खा रहे, अब क्या हुआ, अब हमने स्पून यूज करना स्टार्ट कर दिया, मानवता की ओर आ गए। जैविकता है, बचपन में सभी नंगे घूमते, घूम तो रहे ही हैं, लेकिन क्या हुआ, कपड़े पहनना स्टार्ट कर दिए, मानवता की ओर आ गए। यानी मनुष्य को सभ्य बनाने के काम आता है सिद्धांत, यहाँ उद्दीपक बदल जाया करते हैं। अब भूख माँ को देखकर नहीं लग रही, अब भूख भूख लगने के समय पर लग रही है। उम्मीद है आपको ये सिद्धांत समझ में आया होगा। बात करते हैं सिद्धांत का शिक्षा में क्या यूज हो सकता है, ये सिद्धांत शिक्षा में क्या काम आएगा। शिक्षा में प्रयोग, पहला स्वभाव व आदतों का निर्माण कर सकता है, नए स्वभाव और नई आदतों का। तो दूसरा पहला प्रयोग क्या है, स्वभाव व आदतों का निर्माण। दूसरा गणित और विज्ञान के शिक्षण में सहायक,
जनरली प्रत्यंग त्रुटि के सिद्धांत के जो भी काम है, जो भी शिक्षा में प्रयोग है वो इसके होंगे। सामाजिक विकास में सहायक, एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रयोग है सिद्धांत का, भय के निवारण में सहायक। जो फोबिया हो जाते हैं ना, किसी चीज से व्यक्ति डर रहा है, उसके निवारण में सहायक हो सकता है। उम्मीद है सिद्धांत आपकी समझ में आया होगा। प्रत्यंग एवं त्रुटि के सिद्धांत के जो लाभ हैं वो इस सिद्धांत के भी लाभ हैं, क्योंकि ये सिद्धांत उद्दीपक अनुक्रिया बंध से जुड़ा हुआ है। अंतर सिर्फ इतना सा है कि यहाँ पर पावलोव उद्दीपक को बदलने की बात करते हैं। ठीक है, अगली बात करते हैं आपसे अगले सिद्धांत की। उम्मीद है कि आपने शायद ये सिद्धांत ना पढ़ा हो। सिद्धांत है प्रतिस्थापन का सिद्धांत। प्रतिस्थापन का सिद्धांत, देने वाले व्यक्ति का नाम है वॉटसन। इसको हम अनुक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं। देने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? वॉटसन। वॉटसन के एक सुपुत्र हुए, नाम था एल्बर्ट। इनके पुत्र का नाम क्या था? इनका जो प्रयोग है जो है वो किस पर है? बेटे एल्बर्ट। कहानी सुनाता हूँ, इनके प्रयोग को समझाने का प्रयास करता हूँ। इनका प्रयोग क्या था? इनके सुपुत्र जो थे एल्बर्ट साहब, एल्बर्ट साहब को खरगोश को खेत के साथ खेलना बड़ा पसंद था। यानी कि जब खरगोश दिखता उन्हें बड़ा आनंद मिलता। वॉटसन साहब बड़े परेशान हुए। उन्होंने कहा यार, हर वक्त 24 घंटे खरगोश के साथ खेलता रहता है, जैसे कि आपके पिताजी आपको देखकर परेशान हो जाएंगे, 24 घंटे मोबाइल में लगा रहता है। तो अब वो इससे बड़े परेशान हुए कि भैया 24 घंटे खेलने में लगा रहता है, क्या किया जाए क्या किया जाए। उनके दिमाग में विचार आया कि ये खरगोश के साथ लगा रहता है, क्यों ना ऐसा किया जाए कि जब खरगोश दिखे तब कुछ ऐसा किया जाए जिससे डर जाए। तो खरगोश दिखता तो खरगोश दिखने के साथ ही डरावनी आवाज़ उत्पन्न कर दे। अब वो आवाज़ कैसी होती जिससे बच्चा डर जाता? एक दिन हुआ, दो दिन हुआ, तीन दिन हुआ, चार बार हुआ, दस बार हुआ। अब उस बच्चे के दिमाग में ये बैठ गया कि मैं खरगोश को देखता हूँ तभी ये आवाज़ सुनाई देती है, अन्यथा मैं नहीं सुनाई देती, जरूर इस खरगोश में कोई दिक्कत है। अब उसे खरगोश को देखने से क्या होने लगा? डर। अब वो खरगोश के पास नहीं आने लगा। तो ये क्या है, इन्होंने अपने बेटे एल्बर्ट परीक्षण किया। परीक्षण क्या था, हो क्या रहा था इनके परीक्षण में? इनके परीक्षण में हो रहा था इनका बेटा जो एल्बर्ट था उसको खरगोश को देखने से क्या हो रहा था? आनंद मिल रहा था। तो ये क्या है? अनुबंधित उद्दीपक है। और ये क्या है? अनुबंधित अनुक्रिया। अनुबंधित उद्दीपक, अनुबंधित अनुक्रिया। तो अब क्या हुआ, इन्होंने खरगोश के साथ क्या किया? अनुबंध करना स्टार्ट किया, अनुबंध प्रारंभ किया। अब इस प्रारंभ में क्या किया, खरगोश के साथ तेज ध्वनि। अब इस तेज ध्वनि से क्या हुआ, बच्चे को डर होने लगा। अब अनुबंध जब पूर्ण हो गया तो क्या हुआ कि है तो खरगोश लेकिन अब क्या है, डर। यानी कि इन्होंने क्या किया कि उद्दीपक के साथ एक नवीन उद्दीपक जोड़ा और कुछ समय बाद उद्दीपक को, नवीन उद्दीपक को हटा दिया। पुराने उद्दीपक की उपस्थिति में अनुक्रिया
बदल गई। यानी कि ये क्या कहना चाह रहे हैं कि एक व्यक्ति है जो क्रोध आने पर हिंसा करता है, तोड़फोड़ करता है। अब तोड़फोड़ की, भिड़ गया किसी ताकतवर से, उसने लगा दी मार, दोबारा की दोबारा भिड़ गया, फिर की फिर भिड़ गया। तो एक समय बाद उसने कहा अब गुस्सा तो आ रही है, मन तो कर रहा है भिड़ने का, पिटाई लगेगी यार, बहुत जोर से मारता है अगला आदमी, मैं नहीं भिड़ रहा, शांति से चुपचाप कोने में बैठ गया। तो अभी गुस्सा आने पर क्या कर रहा था, तोड़फोड़ कर रहा था, क्रिया क्या थी, तोड़फोड़ की थी। लेकिन अब गुस्सा आने पर क्या हुआ, नहीं यार मुझे शांत रहने दो, मैं गुस्सा आ रही है मैं अभी शांत रहूँ, तो क्या हुआ, अनुक्रिया बदल गई। तो ये सिद्धांत के माध्यम से वॉटसन क्या कहना चाहते हैं, वॉटसन कहना चाहते हैं एक अनुक्रिया को दूसरी अनुक्रिया से बदला जा सकता है। ये क्या कहना चाहते हैं, एक अनुक्रिया को दूसरी अनुक्रिया से बदला जा सकता है। बात समझ में आई, यानी कि यह भी स्वभाव को बदल सकता है, आदतों को बदल सकता है, भय के निवारण में सहायक हो सकता है, फोबियाओं को तोड़ सकता है, हर वो चीज कर सकता है प्रतिबिंब त्रुटि का सिद्धांत कर सकता था। तो शिक्षा में इनके प्रयोग लगभग बराबर ही है, कुछ अलग नहीं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं दोनों सिद्धांत आपकी समझ में आए होंगे। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर मैं आपको दे चुका हूं, उसके माध्यम से आप हमें पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में हम आपसे बात करेंगे स्किनर के सक्रिय क्रिया प्रसूत को, हम जानेंगे क्या वाकई में एसआर और आरएस एक दूसरे के अपोजिट है या नहीं, एसआर और आरएस के बीच में कोई अंतर है या एसआर का अपडेट होकर आया आरएस। हम जानेंगे क्लार्क हल का ड्राइव एंड रिडक्शन थ्योरी, यानी कि रीइंफोर्समेंट को जानेंगे ब्रॉड लेवल पर कि एक्चुअल में रीइंफोर्समेंट काम करता कैसे है, कैसे रीइंफोर्समेंट देना चाहिए, कब रीइंफोर्समेंट देना चाहिए, उसकी क्या मात्रा होगी, वो किस पर निर्भर करेगी, इन सब की चर्चा हम करेंगे आपसे अपनी आगामी वीडियो में। उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा आपको पढ़ने में, तो हमें तो पढ़ाने में मज़ा आ रहा है। तो आप वीडियो को पूरा देखें, आगे शेयर करना ना भूलें, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।